ललन टॉप अडम पार्टनरशिप विद डाबर चवन प्राश सर डॉक्टर गुजरात सेलिब्रेशन पार्टनर मोफियस डेयर टू ड्रीम उन्होंने कहा कि जिस तरह के रैंक्स आप लोगों पर प्ले करते थे वैसा आ, आप इसके लिए कीजिए तो मैंने कहा चलो कॉमेडी सर्कस का सीजन वन और टू और कुछ हद तक सीजन थ्री में भी इन्वॉल्व था पिताजी तो चाहते थे कि हम सब फॉलो करें वो सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में जाएँ रोस्टिंग एक चीज है कॉमेडी में आपको ठीक लगती है मेरी भी काफी रोस्टिंग हुई है कई जगह पे और जैसे यहाँ पर भी हो रही है थोड़ी बहुत कई बार जिस पर आप प्रैंक कर रहे हैं वो आप पे हावी हो रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी एंशियस नहीं हो रहे हैं बहुत ही लेजी आदमी हो तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ किसी चीज पे ये जो फ्रूट ब्लॉगर्स मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यू आर द योदी यो द अच्छा खाना इंसान के जीवन में किस तरह का इजाफा करता है पंजाबी में कहें तो अच्छी तो खान प्यार पीनते कर वाले भी दे देते हैं इसमें मतलब फैंटा मैगी बन रही है वो सब बन हो रहा है ना अभी इस समय गोलगप्पा पिज्जा बन रहा है इतने मोटे आदमी को आप स्टेज पे बुलाते हैं और फिर सेहत की बातें करते हैं उससे तो आप खुश रहेंगे अगर आप आपने कुछ खुद बना के खाया वाले गुरपाल जी हमारे साथ मंच पर हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए थैंक यू गुरपाल जी आ, आपने समय दिया और आपकी पहचान आ, एक घुमक्कड़ फूडी अभिनेता की है हाँ है गलत नहीं गया सही है हाँ क्योंकि बहुत पहले मेरे ख्याल से जो बहुत यंगर जनरेशन है उनको नहीं मालूम होगा लेकिन छुपा रुस्तम करके एक बहुत पहले शो आया करता था आप में से देखा है छुपा रुस्तम किसी ने देखा है देखा है बाद में कुछ लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा अभी बहुत सारे लोग प्रैंक्स देखते हैं यूट्यूब पर पर जो सबसे पहले टेलीविजन पर जो सबसे मशहूर प्रैंक का शो हुआ था उसका नाम छुपा रुस्तम था उसको गुरपाल जी क्या करते थे आपके आपको याद है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहला प्रैंक कब किया था मतलब छुटपन में बचपन में जवानी में पहला प्रैंक तो आई थिंक वो पेरेंट्स का ही हुआ हुआ जो मैं पैदा हुआ उन्होंने स्कूल कॉलेज में काफ़ी करता था प्रैंक और आ, फैमिली में भी करता था दो, दोस्तों और कॉलेज में किसी ने ये नोटिस किया और बाद में वो एनडीटीवी में प्रोड्यूसर बनी थी तो एनडीटीवी ने ये जब शो प्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह के प्रैंक्स आप लोगों पे प्ले करते थे वैसा आ, आप इसके लिए कीजिए तो मैंने कहा चलो प्रैंक भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे उसके लिए तो कभी ऐसा इस हुआ है मतलब प्रैंक्स ना अभी ये इन लोगों ने प्रैंक्स ने देखे हैं पाकिस्तान के बहुत सारे प्रैंक्स अभी इस बीच मशहूर हुए हैं प्रैंकस्टर्स उसमें अ, कभी उल्टा भी पड़ जाता है कभी कभी प्रैंक भारी पड़ जाता है आप करने जा रहे थे और जिसके साथ प्रैंक कर रहे थे वो हावी हो गया इस तरह का कोई एनेकडोट याद है आपको मतलब नहीं तो जब हमने शुरू किया तो ये बात तय थी कि हम बहुत ध्यान से करेंगे हर एक की ना हर एक का दायरा अलग होता है हर एक की सहन शक्ति अलग होती है आप कितने हद तक जा सकते हैं वो हर एक का अलग होता है तो ये आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है ये आपकी जजमेंट है तो जब शो चल रहा होता है कैमरे कहीं छुपे हुए हैं मैं बहुत ध्यान से उस इंसान को देख रहा होता हूँ जिसके ऊपर मैं प्रैंक प्ले कर रहा हूँ कि ये किस पॉइंट पर इसका सफर का बांध जो है वो टूटेगा और उससे पहले आपको बता देना है कि ये प्रैंक है तो ये, ये इसमें एक सवाल मोरालिटी से जुड़ा हुआ है कि अभी बहुत सारे लोग जो प्रैंक करते हैं जिसके ऊपर प्रैंक किया जा रहा होता है कई बार वो एंक्शस हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा कई लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान किया जा रहा है किसी व्यक्ति को हाँ आप बहुत देर के बाद राज खोलते हैं तो वो थिन लाइन क्या है इस मतलब वो आप क्रैक कर पाए क्या कि ये अब ज़्यादा हो गया और यहाँ तक ठीक है जी मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो हमारा शो देखकर इंस्पायर हुए थे और गुजरात में किसी गुजराती चैनल पे उस समय उन्होंने एक शो शुरू किया था लेकिन बंद हो गया तो मैंने कहा बंद क्यों हुआ तो कहते हैं हमें खूब थप्पड़ पड़े और लोगों ने खूब हमको हमारी पिटाई की और प्रैंक उन्होंने क्या किया था कि किसी को डेड बॉडी बनाया और शमशान घाट के बाहर खड़े हो गए बोले भाई चौथा बंदा है नहीं जरा कंधा दे दीजिए तो जो लोग शमशान घाट से बाहर आ रहे हैं वो आपकी मदद करने के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर वो डेड बॉडी उठ के बोलती थी अरे जल्दी करो ऐसा मतलब तो आपको ये सोचना पड़ता है कि किस पे कर रहे हो किस जगह पे कर रहे हो किसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी ये सारी चीजें अगर आप सोच के करें और कब उसको खत्म करना है प्रैंक को ये सबसे जरूरी चीज़ है और एनडी का एक प्रोडक्शन का आदमी हमेशा हमारी टीम के साथ रहता था पाँच लोगों की टीम थी और एक प्रोडक्शन वाला जो प्रैंक ख़त्म होने के बाद भाग कर जाता था और उनसे साइन करवाता था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप नहीं एक, एक, एक एन ओ सी नुमा चीज़ जो है वो साइन करवाते थे और उनका फ़ोन नंबर भी ले लेते ले थे मोबाइल का ज़माना नहीं था और उनको फ़ोन करके बताते भी थे कि फ़लाँ फ़लां दिन आपका वो वाला एपिसोड आने वाला है जिस पर आपने तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए भी शो शुरू करने से पहले जब ये बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम परमिशन लेके ही करेंगे जब प्रैंक खत्म हो जाएगा तब हम उनसे परमिशन लेंगे कि ये सारा हमने रिकॉर्ड किया क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम इसको दिखाएं ये जो प्रैंक है ये अल्टीमेटली कॉमेडी या एंटरटेनमेंट जॉनरा की ही एक चीज़ है तो उस जॉनरा में आप किसी नए कलाकार को अभी फॉलो करते हैं या किसी से प्रभावित हैं थोड़े बहुत देखने की कोशिश की मैंने लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे नाम नहीं याद हाँ रहते वरना मैं नाम ले लेता उनके लेकिन आ... मुझे ज़्यादा अभी तक जो चल रहे हैं उनमें से कुछ पसंद नहीं है कई पता लग जाता है कि ये फेक हैं कई पता लग जाता है कि इन्होंने किया स्क्रिप्टे है, है। स्क्रिप्टेड है किसी एक्टर को बिठाया और बोला है वो वाला शो करने के बाद मुझे कई बारी तीन बारी चार बारी कुछ छोटे छोटे प्रैंक शोज़ डायरेक्ट करने के मौके भी मिले जो हिस्सा थे किसी बड़े गेम शो के या किसी और शो के तो उस टाइम मुझे बोला गया कि ये वर्क नहीं करेगा आप ये एक्टर ले लीजिए इसके ऊपर करेंगे तो वो वो बात मुझे समझ नहीं आती तो मैं मैंने वो शोज छोड़ दिए थे आ, मैं नहीं कर पाया क्योंकि जब तक आप बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किसके ऊपर प्रैंक हो रहा है इसको मालूम है या नहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाता है डायरेक्शन की बात किया आपने कुछ समय कॉमेडी सर्कस भी डायरेक्ट किया था जी कॉमेडी सर्कस का सीज़न वन और टू और कुछ हद तक सीजन थ्री में भी इन्वॉल्व था उसकी शुरुआत की थी कई लोगों के साथ मिलके आइडिएशन किया था पूरी शुरुआत की थी कॉमेडी सर्कस सीजन वन और टू में तो उसका तो उसका क्या? थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए क्योंकि वो जो ब्रांड ऑफ कॉमेडी है या उस, उससे और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाएँ तो लोग कहते हैं कपिल शर्मा ब्रांड ऑफ़ कॉमेडी है उस पर आपका क्या टेक है मतलब जब ये आया ठीक तरीका लगता है क्या जब ये शो आया था मेरे पास कोई लेके आया उन्होंने एक मुझे कोई यूरोपियन कंट्री की एक डीवीडी दिखाई जिसमें स्टैंड अप कर रहे थे लोग ऐसे लोग जिन्होंने स्टैंड अप पहले नहीं किया कोई स्पोर्ट्समैन कोई फ़ैशन आईकॉन कोई फला फला और उनको चार स्टैंड अप जो है वो ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो चारों जजेस बन जाते हैं एक पाँचवा जज आता है और ये लोग परफॉर्म करते हैं तो उन्होंने वो चाहते थे कि इस तरह से कुछ किया जाए तब तक मैंने ये देखा था कि वो डांसिंग वाली जोड़ियाँ भी चल रही हैं ये भी चल रहा है तो सब चेंज किया कुछ आइडिएशन किया और ये जब मैंने प्रपोज़ किया कि इस तरह से करते हैं टीम ने मिलके प्रपोज़ किया कि दो लोग मिल करें एक स्टैंड अप और एक नॉन नॉन स्टैंड अप उनकी जोड़ी बनाई जाए और दूसरा हमारे यहाँ जो सूट टाई पहन के माइक पकड़ के स्टैंड अप वाला जो मा, माहौल अब बहुत बढ़िया चल रहा है उस समय इतना नहीं चलता था तो फिर उसमें हम थोड़ा स्किट वाला एलिमेंट कॉस्ट्यूम ड्रामा मेकअप थीम के आज शादी की थीम पे करेंगे आज इस पर करेंगे आज फलाना फेस्टिवल है तो उस तरह से सोचा और फिर वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा रोस्टिंग एक चीज़ है कॉमेडी में आपको ठीक लगती है वो मतलब मोरालिटी uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा मतलब आपने देखा है कोई रोस्टिंग वीडियो देखें ज़्यादा नहीं देखें थोड़े बहुत देखें और मुझे देखने में तो अच्छा लगता अगर है अगर सलाहियत से तो की जाए तो ठीक है जी उसमें भी थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है और uh मेरी भी काफ़ी रोस्टिंग हुई है कई जगह पे और जैसे यहाँ पर भी हो रही है थोड़ी बहुत कीजिए एक चीज़ आपने नोटिस की मतलब गांवों में कस्बों में महानगरों में भी कॉमेडी का एक पैटर्न बहुत प्रचलित है जिसमें पुरुष जो है स्त्री की तरह ड्रेस हो और फिर एक एक्ट एक करे ये ठीक है आपको ये इसमें कोई समस्या लगती है या ये लगता है आपको कि ये हमारा एक आ, नौटंकी और तमाम पारंपरिक जगहों से हम इस पैटर्न को लेकर के आए इसमें कोई बुराई नहीं नहीं मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती बशर्ते आप रिस्पेक्ट करें जेंडर को और ऐसी चीज़ों को बाकी इसमें कोई आपत्ति तो है नहीं अगर उस दायरे में किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए एक चीज़ ये है कि लोगों ने कहा कि गुरपाल जी से बात करें तो ये पूछेगा कि हमेशा ना एक ह्यूमर वाले मतलब चिल चिलिंग जिल, मूड में रहते हैं वो रिलैक्स रहते हैं बहुत ऐसा लगता नहीं कि तनाव उनके जीवन में भी आता होगा वो आपका ऑन स्क्रीन भी दिखता है जो हम छुपा उस के वीडियो देखते हैं उसमें भी दिखता है कि कई बार जिस पर आप रैंक कर रहे हैं वो आप पे हावी हो रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी एंशियस नहीं हो रहे हैं असहज नहीं हो रहे हैं वो रियल लाइफ में भी आपके ऐसा लगता है कि है क्या है ऐसा मतलब और हाँ क्या कोई सीक्रेट है इसका सीक्रेट तो कोई नहीं है बस ऐसे ही है मेरे ख्याल से एक बहुत ही लेज़ी आदमी हो तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ किसी चीज़ पर लेजीनेस की वजह से ज़्यादा लंबे लंबे आंसर भी नहीं दे पाता आ, मैं ज़्यादातर इंटरव्यूज के लिए आता भी नहीं हूँ वो तो सौरभ भाई ने कहा तो मना नहीं कर पाया आपको दिल्ली में कहाँ का और कौन सा खाना पसंद है दिल्ली में तो बहुत सारी जगह है दिल्ली से ही हैं आप यहीं से यही मेरा बचपन यहाँ पटेल नगर में था और पटेल नगर में एक हम फूड वॉक करते थे जो मेरे एक कज़न हैं जिनको हम लक्की वीर कहते थे उन्होंने जाके सब कुछ टेस्ट किया हुआ था और फिर वो हम सबसे बड़े कज़न थे वो हमारे नेवी में थे वापस आते थे तो फिर जो सारे छोटे हैं उनको वो लक्की वीर फूड वॉक बोलते थे हम उसको कि फ़ला जगह की चाट और यहाँ के टिक्के और यहाँ का दही पापड़ी और फलानी जगह का तो बहुत एक लंबा वॉक होता था तो फूड में इंटरेस्ट तब से हुआ और फिर बाद में एक शो हुआ फूड फूड चैनल पे खाता रहे मेरा दिल जो स्ट्रीट फूड आ, शो था उसके चार ही एपिसोड हुए अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो चार एपिसोड मेरे ख्याल से छः सात साल तक दिखाए गए फूड फूड पे अभी यूट्यूब पे भी हैं मुझे मैं कभी जाता हूँ जैसे इंदौर में किया था एक एपिसोड अभी इंदौर जाता हूँ तो देखता हूँ आप माहौल एकदम बदल गया है बहुत सारे फूड शोज आ गए हैं बहुत सारे लोग फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उस समय मैं इसको ब्लॉगिंग तो नहीं कहता था क्योंकि ये शो चैनल ने प्रोड्यूस किया था मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जैसे जो रिसर्च उन्होंने किया था लेकिन अब ये जो फ्रूड ब्लॉगर्स मुझे मिलते हैं वो कहते हैं यू आर द ओ जी यू आर द यू आर द फादर ऑफ़ फूड ब्लॉगिंग इन इंडिया ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था लेकिन हाँ एक, एक तरीका सेट हो गया कि कहाँ जाके क्या खाना है कैसे करना है रिएक्ट क्या बोलना है उसके बारे में तो आ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि हम आपसे इंस्पायर होकर हमने भी फूड ब्लॉगिंग शुरू की है उसमें बहुत मज़ा आया क्या क्या पसंद है मतलब मैं ये भी जानना चाहूँगा और क्या ऐसा होता है कि मूड और मिजाज के हिसाब से अभी अभी ये समय जो है वो ये खाने का है अभी मूड अच्छा नहीं है तो मैं ये खाऊं ये मेरा कंफर्ट फूड है इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन फूड में आपने किया है अपने लिए जिससे हम भी लाभान्वित हो सकें नहीं ऐसा कोई खास क्लासिफिकेशन तो नहीं किया पर दिल्ली में कहाँ का क्या क्या पसंद जैसे कि मैं फूड शो में भी कहता ही था सब लोगों को कि पंजाबी की कहावत है पंजाबी में कहें तो अच्छी तो खाण पीनते भुखियाँ प्यारते कर वाले भी दे देते हैं तो बस खाने पीने के भूखे हैं कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ और दिल्ली में तो बहुत सारी जगह है शायद बहुत मुश्किल है सब जगह का नाम लेना लेकिन दिल्ली में बहुत सारे कुछ फूड व्लॉगर्स को मैं देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ हैं जो बहुत ही बोरिंग है लेकिन बहुत नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं ये फूड व्लॉगिंग का जो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है इसमें से बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं आपकी मतलब मैं फेवरेट खाने की जगह पूछना चाह रहा था वो अभी तक आपने बता ही नहीं मतलब दिल्ली में ऐसी जगह है कि वहाँ तिलक नगर के फला जगह के छोले कुलचे ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा एक फेवरेट जगह नहीं, बहुत नहीं। है बहुत सारी हैं तो आ, कई जगह पे जहाँ भी जाओ आप खा के आओ बहुत है बहुत है एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है एक थोड़ा सा फूड से जुड़ा फिलोसफिकल सवाल और उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन कि आ, आपके आपके समझ के हिसाब से एक अच्छा खाना इंसान के जीवन में किस तरह का इजाफा करता है जैसे बहुत सारी कहावतें हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन ख़राब मिजाज को ख़राब मूड को अपलिफ्ट कर सकता है भोजन तो आप अगर फूड चॉइसेस के मामले में बहुत ही सोच समझ करके अपनी फूड चॉइसेस ले रहे हैं तो वो आपको बेहतर फंक्शन करने में मदद करता है ऐसा फील किया आप जी मेरे ख्याल से शुरू में जब मैंने कुकिंग एक्सपेरिमेंटल कुकिंग शुरू की तो बहुत कुछ डालता था उसमें बहुत सारे मसाले बहुत सारा ये भी डाल दो वो भी डाल दो और जब अब जैसे मेरी दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई मैं बुज़ुर्ग वाली कैटेगरी में आ गया मुझे मेट्रो में सीट भी मिल जाती है अंकल जी आप बैठ जाइए करके तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मिनिमलिज़म बहुत अच्छा है अगर आप कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं किसी दो या तीन इन्ग्रीडियंट्स पर ज़्यादा फोकस करें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकल के आता है तो जैसे सिंगल मॉल्ट होती है वैसे कभी कभी सिंगल स्पाइस वाली कुकिंग भी कर लेते हैं और जितना सरल हो खाना उतना अच्छा है आपके लिए अच्छा है जो सबसे बेहतरीन जो शेफ्स हैं वो भी बहुत एक्चुअली आप बहुत ध्यान से देखेंगे वो क्या कर रहे हैं तो बहुत सरल कुछ बना रहे हैं वो एक हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ प्रतीक साधु जी तो अगर उनकी फिलासफ़ी मैं बहुत फॉलो करता हूँ जिस तरह से वो इंग्रीडियंट्स चुनते हैं और जिस तरह से वो बनाते हैं तो मुझे वही लगता है कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ठीक है व्यक्ति और भोजन जितने सरल हों उतना अच्छा उतना सुपाच्य ऑडियंस क्वेश्चन सर नमस्कार नमस्कार जी फूड uh, और कॉमेडी को लेकर काफ़ी बात हुई है आप थोड़ी सी अगर नज़र मणिकॉल जी के साथ जो आपका काम रहा अगर उस पर भी डालेंगे तो लोगों को पता लगेगा जी बहुत कम लोग मणि कॉल जी को जानते हैं वो हाँ एक तरह से हम सब बहुत सारे लोगों के लिए गुरु रहे हैं फिल्म मेकिंग में फिल्में जो वो बनाते थे बहुत लोगों ने नहीं देखी क्योंकि लोगों को लगता था कि वो बोरिंग फिल्में हैं लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे फिल्म लैंग्वेज में नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे थे और उनका भी एक बहुत ही ख़ासा रिश्ता फ़ूड के साथ था फ़ूड फूड पे हमारे बहुत चर्चे होते थे फिलॉसफी पे बहुत चर्चे होते थे उनकी फिल्मों पे शायद कमी होते थे और वो ध्रुपद म्यूज़िक भी सीखते थे और उनके जो गुरु थे वो भी फूड पे बहुत लिखते हैं इनफैक्ट उनके जो गुरु जी के बेटे हैं उस्ताद बहाद्दीन डागर उन्होंने रिसेंटली अभी लिखा कि डागर किचन कितना ज़रूरी था उनकी तालीम में उनकी म्यूज़िक की तालीम में तो वो फूड और फिल्म uh, मेकिंग का तो खैर बहुत ही क्लोज़ रिश्ता है फ़ूड और म्यूज़िक का भी बहुत क्लोज़ रिश्ता है तो मनी कॉल जी के साथ काफ़ी काम किया बहुत मज़ा आया उनके साथ बहुत मज़ेदार इंसान थे किसी ने उनको पूछा कि आप इतने मज़ेदार इंसान हैं इतने फ़नी हैं आपकी फ़िल्में इतनी ड्राई और बोरिंग क्यों हैं तो उन्होंने उनके साथ में कुंदन शाह जी बैठे थे, थे जिन्होंने जा, जाने भी दो यारों बनाई उन्होंने कहा इनको देखो इतने ड्राई और बोरिंग है और इतनी फनी फिल्म बनाई है ऐसे ही होता है लाइफ में जी आपका सवाल जी मैं मेरा छोटा सा सवाल है नहीं आप प्लीज लंबा सवाल पूछिए प्लीज, प्लीज। <laughs> गुरपाल भाई मैं आपको पिछले एक दो बरस से आमने सामने जान पाया हूं एक किस्म की आध्यात्मिकता है आपके बातचीत करने में मैंने हमेशा आपको सुकून में पाया है कितना भी मेहम हो आपके बहम हो आपके इर्द गिर्द इसका सीक्रेट बता दीजिए क्योंकि हम लोग जरा सी आपाधापी में बड़े परेशान हो जाते हैं और जरा सी लाइमलाइट में हमारी आंखें चौंधियाने लगती हैं इसका सीक्रेट तो पता नहीं मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने से किसी चीज में कभी फायदा हुआ नहीं है तो जितना कम रिएक्ट करो उतना ही अच्छा है और जो वर्ड आपने यूज किया वो तो बहुत हाई फंडा वर्ड है ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो बहुत ही नॉन आध्यात्मिक किस्म का इंसान हूँ बस यही है कि चेहरे पे ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो शायद आ, लोगों को ऐसा लगता हो लेकिन आ, अंदर उतनी शैतानी है जितनी बाकी लोगों में है तो इसका तो हाँ इसका सवाल आ, आपने पूछा भी बहुत छोटा ना आप बहुत लंबा करके पूछते तो मैं जवाब दे पाता जी अगला सवाल सर मेरा नाम श्रीष मिश्रा है नमस्कार सर मेरा सवाल ये था कि खाने को लेकर जो आजकल एक नए नए प्रयोग चल रहे हैं खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा या यूट्यूबर के द्वारा तो सर उसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि पता मतलब कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो या हानिकारक हो कुछ भी उससे मतलब लोगों को पता है या नहीं है क्या कैसा है बस इसको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है सर आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं इसमें मतलब फैंटा मैगी बन रही है वो सब बन हो रहा है ना अभी इस समय गोलगप्पा पिज्जा बन रहा है कुछ भी तो है। किसी चीज़ के साथ कुछ भी मिक्स कर देना या कुछ भी कर देना देखिए इतने मोटे आदमी को आप स्टेज पे बुलाते हैं और फिर सेहत की बातें करते हैं उससे <laughs> तो, आ, लेकिन हाँ मैंने भी देखे हैं बहुत गिमिकी तरीके की चीज़ें बन रही हैं बहुत अजीब हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती देख के ही थोड़ा सा मन उब जाता है एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा है लेकिन गिमिक्स करना मेरे ख्याल से बहुत अजीब है ना सिर्फ खाना बनाने में या नई नई डिशेस इजाज करने में भी गेमिक चीज़ें हो रही हैं बल्कि उसको प्रेजेंट करने में भी ये फूड व्लॉगिंग का ही असर है तो लोग ड्रामा कर रहे हैं जैसे अभी इंदौर के सराफे पर मैं गया दस साल बाद जब फूड शो किया था बारह साल पहले उसके बाद अब मैं पिछले साल गया तो देखा कि वहाँ बहुत ड्रामा चल रहा था कोई आदमी कोकोनट काटने के लिए मतलब कोई रजनीकांत स्टाइल में काट रहा था और चिल्ला रहा था और किसी ने पूरे सोने के कपड़े पहने हुए थे और गोलगप्पे बेच रहा था तो वो बहुत इंस्टा वर्दी जिसे कहते हैं इस तरह की चीज़ें थी और बहुत लोगों ने तो अपने फूड स्टॉल के ऊपर एक टी स्क्रीन भी लगा रखा है और जो इंस्टा रील्स में वो फ़ीचर कर चुके हैं या यूट्यूब पे फीचर कर चुके हैं वो बार बार उस पर चला के दिखा रहे थे कि यहाँ आइए हमारे यहाँ आइए तो बहुत लोग तो हाँ शायद फूड के शौक से नहीं जाते हैं शायद ये रील्स बनाने के लिए भी जाते हैं और ऐसे ही लोग मेरे ख्याल से वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे जी पीछे एक हाथ उठा था जी सर मेरा सवाल है कि जैसे कटहल मूवी में आपने एक सीनियर ऑफिसर का रोल निभाया था उसमें सान्या मल्होत्रा जो थी वो नीचे थी तो उन पर जिस तरीके का प्रेशर था कि वो सही काम कर रही थी फिर भी एक ऑफिसर ने बोला कि वो छोड़ो तुम खाली कटहल ढूँढो तो इसी तरीके की सिचुएशन आप पे कभी आई है या फिर आपने किसी पे इस तरीके का डाला है क्या ये मैं जानना चाहता हूँ ये ऐसी सिचुएशन लाइफ में तो आती ही हैं uh, मैं तो किसी ऐसी पोजिशन में नहीं हूँ मैं तो uh, जो रियल लाइफ में यूनिफॉर्म पहनता हूँ और इस तरह से कुछ फ़ेस किया हो लेकिन हम सब ने फेस किया हुआ है इस तरह इस तरह, इस तरह की सिचुएशंस uh, और हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसी ही है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा एक सेटायर था ये कटहल इन्हीं चीज़ों पे और लोग इसको फेस कर चुके हैं तभी तो ये राइटिंग निकलती है ठीक है आपका सवाल सबसे पहले सत सर जी सर मेरा अच्छा नाम जावेद, जावेद है और मेरा सवाल भी खाने को मतलब खाने को लेकर ही है क्योंकि थोड़ा ज़ोर से बोलिए मतलब मेरा सवाल भी खाने को लेकर ही है क्योंकि बहुत देर से खाने की बात चल रही है तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भी कभी खुद अपने हाथों से बना के कुछ खाते हैं क्या और अगर खाते हैं तो वो मतलब सरल वाला होता है या थोड़ा चटपटा होता है अपने हिसाब से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू में चटपटा होता था अब थोड़ा सरल हो गया लेकिन बनाता हूँ मज़ा आता है बहुत स्ट्रेस बस्टिंग चीज़ है आमें देखे। आमें देखे। आम, कभी आप टेंशन में हो तो आप भी खाना बनाइए बहुत सारे यंग एक्टर्स मेरे पास आते हैं दोस्त कि भाई हम बॉम्बे शिफ्ट हो रहे होना चाह रहे हैं स्ट्रगल होगा कैसी तैयारी की जाए तो मैं उनको बोलता हूँ और शायद वो पता नहीं कितना सीरियसली लेते हैं कि पहले तो खाना बनाना सीखिए आप और क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आप जाएंगे एक अजीब सा माहौल होगा बहुत कंपटीशन है इस लाइन में ज़्यादा दोस्त आपके बन नहीं पाएंगे या तो बहुत अच्छी कम्युनिटी हो आपके आसपास और आप घर का खाना मिस करेंगे आप माँ के हाथ का खाना मिस करेंगे और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आपको तब आ जाता है कंफर्ट फूड होता है ये घर का खाना और खुद बनाकर खाना तो आप खुश रहेंगे अगर आप आपने कुछ खुद बना के खाया तो कितनी देर वड़ा पाव या मैगी पे आप जी सकते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ उनकी तैयारी में ये भी एक चीज़ ज़रूरी रहती है ठीक है आखिरी सवाल जो हमें स्पॉन्सर्स की ओर से कहा गया है कि ज़रूर पूछना है गौरव जी बैठे हैं सामने डेयर टू ड्रीम मूवमेंट आपके जीवन का क्या था मतलब वो मूवमेंट जिसमें ये लगा कि मैं हिम्मत नहीं दिखाता अपने करियर के लिए एक बड़ा फैसला नहीं लेता तो शायद आज जाऊँ वहाँ नहीं होता डेढ़ टू ड्रीम मोमेंट मेरे ख्याल से मेरा तब आया जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक समय आता है जब आपको चुनना ही पड़ता है कोई ना कोई करियर पाथ तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में या जामिया मिलिया में या और किसी ऐसी जगह पे जाके फिल्म की स्टडीज़ करना चाहता हूँ सीखना चाहता हूँ तो पिताजी तो चाहते थे कि हम सब फॉलो करें वो सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में जाएं वो थोड़ा उस समय उस समय की बात है जब वो बहुत अहमियत रखता था और लेकिन फिर धीरे धीरे उस टाइम पता लगा कि बहुत सारे और और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे करियर भी बन सकता है और ये वाली जद्दोजहद में अभी भी देखता हूँ जब पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं बीए करना ज़रूरी है बैचलर्स डिग्री ले लो उसके बाद कुछ भी करो लेकिन आ, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आपका मन करे और जिस को आप अच्छे से जानते हो और आ, करना चाहिए तो डे डे टू तो ड्रीम मोमेंट्स सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है किसी का बहुत ड्रामेटिक होता है किसी का इतना ड्रामेटिक नहीं होता मेरा सिंपल सा था और घर वालों ने सपोर्ट किया तो फिर आगे निकल पड़े थैंक यू सो मच आपने समय दिया और आप लोगों का भी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम अपने पार्टनर्स को शुक्रिया कह दें डाबर चवनप्राश डॉक्टर ऑर्थो सर्वोकॉन और हमारे टूरिज्म पार्टनर हैं गुजरात टूरिज्म सेलिब्रेशन पार्टनर हैं मॉफियर्स और डेयर टू ड्रीम बहुत शुक्रिया आप सभी का और हमारे स्पॉन्सर्स का भी थैंक यू गुरपाल जी आपके टाइम के लिए